निकाले जाते थे, लेकिन हमारी सरकार ने एक ही रोग व्यवस्था का गठन किया, 22,000 से अधिक ऐसे लोगों के जेल के सिक्के के पीछे भेजने का काम। बहु बेटी घर से निकल कर स्कूल और कार के क्षेत्र में नहीं जा सकती, मजरों का एक रूम सड़कों पर रहता था। आज मैं कह सकता हूँ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर योगी जी के नेतृत्व में चल रही है, किसी प्रदेश में आपको एक भी गुंडा माफिया सुरक्षा का बंदा सड़क पर दिखाई नहीं देगा, या तो जेल में या प्रदेश छोड़ देते बाहर चले गए धातुओं का एक वोट मांगने के लिए। आप यहां से निकल करके जब अपने अपने गांव में जाएंगे, स्वराज के गांव में बैठ करके पंचायत करें और तय करें कि भस्ती के विधानसभा क्षेत्र के भविष्य को कौन सजा संभाल सकता है। घोषी में क्या नहीं होता था, तीन दहाड़े मर रहे हुए हैं, अभी उमेश पाड़े जी बता रहे थे पंचायत की दुकान पर मर हुआ कि नहीं हुआ बताइए, घोषी ब्लॉक में मर हुआ कि नहीं हुआ बताइए, लाख मकान दुकान पर कब्जा हुआ कि नहीं बताइए, बहु बेटी की इज्जत आबरू खतरा जब ठीक नहीं की बताइए। गांव गांव जाकर लोगों को हमें बता रहा है और ये जिम्मेदारी हमारी है, हमने जिम्मेदारी ली है कि जब जब समाज में विकृतियां पनपेगी प्रबुद्ध वर्ग के लोग आगे निकल करके आएंगे और प्रबुद्ध वर्ग कभी कुर्सी के लिए नहीं लड़ता, संतुष्टि के लिए कभी नहीं लड़ते। आपको आचार्य चाणक्य के बारे में अच्छी तरह याद होगा, जब सत्ता में बैठे लोग निरंकुश हो जाते हैं, सत्ता के चाहने वाले लोग निरंकुश हो जाते हैं। समाजवादी पार्टी जब जब सत्ता में रही उसको उखाड़ फेंकने का यदि काम किसी ने किया तो हमारे प्रबुद्ध जन के लोगों ने किया, आपकी अगुवाई में समाज से आगे बढ़ सके। हम आपको याद दिलाने के लिए आपकी ताकत के आए, जैसे हनुमान जी को ताकत याद दिलाई जाती है, हनुमान जी के बारे में कहा, इसलिए मैंने प्रबुद्ध जन के सब समाज के लोग आप लोग अपने अपने घरों से निकल करके जब यहाँ से जाएंगे तो घर के बाहर पर जाए यहाँ से शुरू कर दीजिए कि माहौल बदल चुका है और कुछ लोग सुनियोजित साजिश के तहत घोषी के माहौल को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। उनके पास वोट नहीं है, उनके पास संख्या नहीं है, उनके पास लोकतंत्र में हित नहीं है, फिर भी गिराने का काम कर रहे हैं। वो जाएंगे तो राजभर समाज के पास जाएंगे, आप तय करिए कि राजभर समाज का एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला आगे मिला, आप लोग बताइए तो सबसे हाथ उठाइए, राजभर समाज का एक एक वोट मिला है, लोहिया चौहान समाज का एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के चौहान साहब को मिला है कि नहीं मिला बताइए, मौर्य समाज का एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, एक एक वोट मिल रहा है। इस प्रकार के हमें गिना करके एक एक वोट को बता देना है और लोग तरह क्या पैर फैलाते और तो हाथी हाथी वीडियो क्लिप्स बना करके डाली जा रही लोगों को गुमराह करने के लिए, ये जिम्मेदारी आप लोगों को मैं प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को देता हूँ कि विपक्ष की जो दुरंगी चाल है असली चाल हमें विपक्ष की खोलना पड़ेगा। ये गुंडे माफिया मवाली लुच्चे दबंगे लाल मकान दुकान कब्जा करने वाले बहु बेटी की इज्जत आबरू को बुरी नजर से देखने वाले समाजवादी पार्टी के लोग घोषी के लोग तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे, ये आपको तो